लगभग 100 साल पुरानी बात है। एक ट्रेन में एक बुजुर्ग किसान कहीं यात्रा कर रहे थे। उनके हाथ में एक रोजरी थी, एक माला थी, जिसके मोतियों को मन मन में पढ़ रहे थे और मोती की माला आगे बढ़ रही थी। अचानक से एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आता है और उन पर्सन के बराबर में आकर सीट पर बैठ जाता है। जब वो माला पढ़ना बंद करते हैं तो वो लड़का उनसे कहता है, क्या आपको अभी भी इन आउटडेटेड चीज़ों पर भरोसा है? आप इनमें भरोसा करते हैं? वो व्यक्ति बोला, हाँ मुझे तो भरोसा है, क्या तुम्हें नहीं है? यस आई डू, आई थिंक यू डोंट। तो वो बोला, मुझे लगता है कि तुम्हें साइंस पढ़नी चाहिए। व्यक्ति बोले, साइंस किस तरह की साइंस पढ़नी चाहिए मुझे? तो विनम्रता से उन्होंने कहा, वो लड़का बोला, एक काम कीजिए, गिव मी योर एड्रेस, मैं कुछ साइंस की अच्छी किताबें तुम्हारे पते पर भिजवा दूंगा, जिन्हें पढ़कर आपका माइंड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उस बुजुर्ग ने अपने कोट की जेब में हाथ दिया और एक कार्ड निकाला, वो कार्ड उस लड़के की तरफ बढ़ा दिया। उस कार्ड पर लड़के ने पढ़ा तो उस पर लिखा हुआ था, लुईस पाश्चर, डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक रिसर्च, पेरिस। ये पढ़ते ही लड़का शर्मिंदा हो गया। थैंक यू वेरी मच, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। किसी के ओपिनियन को देख के, किसी के गेस्चर को देख के हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम उससे सुपीरियर हैं। हमेशा सीखने की कोशिश करनी चाहिए। आई थिंक यू आर एंजॉइंग दिस सीरीज। थैंक यू।